खवातीन हज़रात, मैं हूँ ताबिश हाशमी। कुछ टोटे क्लिप, अब आप क्या हिला के बताओगे अपना टैलेंट? टीबीएच के थे, मैंने कहा यार उसको रिव्यू कर लेते हैं, वीपीएन लगा लिया। हम भी तो कुछ स्क्रीन टाइम लेना यार। पहली क्लिप जो है वो है मेरी फेवरेट एपिसोड पावर डे, हिना अल्ताफ। पुट योर हैंड्स टुगेदर, हिना अल्ताफ। एक तो हिना अल्ताफ इतनी प्यारी लग रही है, ऊपर से ऑरेंज कलर का वो सूट पहन के आ गई, कोट पता नहीं क्या कहते हैं खवातीन के सूट को, लेकिन वो पहन के आएंगी, इतनी प्यारी लग रही है। ऑरेंज कपड़े भी पहने हैं, रंग रंगलियां तो मनाती हूँ। बाल भी उन्होंने शैम्पू किए हुए थे, शो को चंचल थी। आई लव यू तूबा करो। हिना अल्ताफ जब आई तो उनसे हमने उनके टैटू के बारे में पूछा, उस पर शायद लिखा हुआ था आलम, आलम लिखा हुआ था। हाँ तो ये सिर्फ नहीं, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई अगर आलम साहब से बातचीत अगर आगे चल के थोड़ी बहुत खुदा ना खास्ता खराब हो जाए तो ये आलम के आगे पीछे फवाद भी लिखा जा सकता है, फवाद आलम हो जाए। मैंने फवाद आलम के साथ बहुत पुराना शो किया था जब मैं नई नई इंडस्ट्री में आई थी, वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आई थी, तीन लड़कियों को यहाँ पे बिठाया था, मॉर्निंग शो था निदा यासिर। फवाद आलम के सामने फवाद आलम ने आपको पता है मुझे क्या कहा? क्या कहा उस लड़के ने? आप उसे मुझे ऑन एयर कह दिया, आप स्क्रीन पे इतनी शर्मीली हैं, असली में भी इतनी शर्मीली हैं। है क्या भाई? वो शो बहुत पसंद किया गया, उस शो के ऊपर बहुत अच्छे कमेंट्स आए, इट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट टू द एंटायर टीबीएच शो। संजीदा जवाब दूं, क्या जवाब? ऐसे जवाब दें कि हम कंट्रोवर्सियां क्रिएट करते चले जाएं। तो शो के अंदर एक कंट्रोवर्सी भी हुई जो कि मतलब शो का काम भी है थोड़ा बहुत, ऐसा अंडरग्राउंड काम है हमारा कंट्रोवर्सी बनाने का। हाँ मतलब मैं रोप स्किपिंग कर रही हूँ जिम में और लिखा हुआ है हिना अल्ताफ को शर्मनाक जिम में हरकतें करते हुए देखी। उसमें कंट्रोवर्सी हो गई कि मैंने पूछा, अच्छा अच्छा मैंने आपको क्या, कौन सा एक्टर ऐसा है जिसको एक्टिंग भी नहीं आती मगर भरम फुल देता है? ऐसा कौन सा एक्टर है जिसको एक्टिंग नहीं आती मगर भरम पूरे देता है 100 रुपए के? तो उन्होंने ठक करके जवाब दिया मुनीब भट्ट। मुझे लगता है मुनीब भट्ट, मुनीब भट्ट गूगल कर, मुनीब भट्ट का नहीं पता, मुझे नहीं पता था उस वक्त मुनीब भट्ट का, जिस तरह मुनीब भट्ट को आज मेरा नहीं पता। हैशटैग एनीत की शादी, यार मुझे उससे शादी में भी नहीं। अच्छा ये तो 50 करोड़ की शादी वाला जिनकी वाइफ ने शादी के दूसरे दिन वो मेहंदी लगा के लिखा जय स्कोरी बंद करो कुछ लिखा हुआ था, तो वही कॉन्ट्रोवर्सी बन गई। मगर मैंने उनको बुरा एक्टर नहीं कहा था भाई, मुझे तो पता भी नहीं था यार एक्टिंग का, वो हिना ने कहा था, वो आपके शो में आप उनके शो में भी चले गए जो टीवी पे आता है, मगर मुझसे आप नाराज हो गए। आपको ईमन और मुनीब ने अपनी शादी में नहीं मिलाया, हमें तो लगता था कि दोस्त हैं। मुझे नाराज नहीं हूँ, मैं एक अच्छा आदमी हूँ, मगर पैसे के लिए कभी कभी कुछ करना पड़ता है यार। नहीं हिना अल्ताफ, यू आर लाइक चाय, यू मेक मी गो हाय। वो जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है ताबिश अभी सीट टूट जाएगी। हाँ यूजली ऐसा लगता है शो में कि शो में आने वाले लोगों से मैं नाराज या वो नाराज हो जाएंगे मुझसे, लेकिन एट द एंड ऑफ एवरी एपिसोड जो जो गेस्ट आए हुए होते हैं उनसे मेरी काफी अच्छी बातचीत बन जाती है। हिना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं आपसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरी अच्छी बातचीत बन चुकी है। तो हिना थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू टीबीएच, आप आई, आपने शो को बहुत अच्छा ओपनिंग एक ओपनिंग दी, लोगों ने इतना पसंद किया आपको, आई होप आपको भी मजा आया होगा। आपने ना सिर्फ देखने बल्कि लोगों को रागिब करने इसकी तरफ, और हमारे ऐसे शोज हैं नहीं, ऐसे और होने चाहिए हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब नाशपाती।